मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। योग से बना है योगा। योगा करने से बनती है शरीर में महाशक्ति। आप निरोग रह सकते हैं। आपके शरीर के जो रोग उत्पन्न होने जा रहा है वह नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय राष्ट्रपति भवन के सामने हूं और मैं आप आज जो है योगा के बारे में बात करेंगे। इकट्ठा हुए हैं बहुत सारे हमारे मेहमान और आज हम जानना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन के सामने। तो हमारे साथ मौजूद हैं बबलू ठाकुर जी और मैं जानूंगा विशेष तौर से कि योगा के बारे में और कितना देश विदेश में और प्रकाश डालने की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश वैदिक कालों से ही चला आ रहा है योग का मिसाल। तो आज हम इस पढ़ाई को ही आगे बढ़ाना चाह रहा है। योग में जो आदमी जुड़ जाता है, योग को लेकर के जो भी आदमी गंभीर हो जाता है, वो अपने आप में हमेशा स्वस्थ निरोगी तो रहता ही रहता है। उसके विचार बदल जाते हैं, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है अपना। आप गलत आहार नहीं ले सकते, आपके गलत विचार नहीं बन सकते। तो योग तो अपने आप में एक महा औषधि है जिसको जी। तो योगा करने से और क्या लोगों को खान पान से क्या बचना चाहिए, जो कि बहुत सारे इस समय प्रोडक्ट चाइनीज भी आ गए हैं, बहुत सारे विदेशी भी हमारे भारत में छा गई है, लोग लगातार जो है लोगों को लुभावना कर रही है व्यंजन, तो इससे बारे में आप क्या बताना चाहते हैं लोगों? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को जो हमारी ये ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, जो हमारे योगियों की परंपरा है, उसको नियमित रूप से अपनाना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके एक घंटा अपने लिए जरूर देना चाहिए। जो हमारे नेचर ने हमें खान पान आहार दिया है, हमें उससे ही, उसके प्रति, नेचर के प्रति ही, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हमें ग्रहण करना चाहिए। हम जितना आजकल, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि फास्ट फूड की तरफ या चाइनीज भोजन की तरफ जा रहे हैं, उतने ही बीमारियां बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए कि इतने लोग योग कर रहे हैं और करा रहे हैं, लेकिन कहाँ विकार है? विकार है उनके मनों में, क्योंकि वो डेली सुबह एक घंटा योग तो कर लेते हैं, चले तो जाते हैं, लेकिन खान पान को चेंज नहीं किया। खान पान वही लेना, दिन भर में फास्ट फूड ले लिया, कोई भी पैकेट बंद चीज ले ली, डब्बे बंद चीज खा ली, और फिर उसके बाद में डॉक्टरों के जा रहे हैं, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कहते हैं जी मैं योग करता हूँ, लाभ नहीं होता। योग तो अपने आप में एक महा औषधि है, प्राण औषधि है, जीवन औषधि है। जो इससे जुड़ गया वो आगे बढ़ गया, और जीवन में कभी भी किसी भी तरह का उसको ना क्रोध होगा, ना भय होगा, ना कोई किसी तरह की परेशानी होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई मानसिक विकार होगा, ना शारीरिक विकार होगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम योग से जुड़ने वाले को नहीं आती। बबलू जी, आप ये बताइए, जो आज हमारे देश में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं कैंसर से, टीबी से जी, तो इसके बारे में क्या प्रकाश आप डालेंगे? देखो, कैंसर से और टीबी से पीड़ित होना एक अज्ञानता भी कह सकते हैं, और जो आजकल का वातावरण है, दूषित वातावरण है, जो हमारे यहाँ का प्रदूषण है वो इतना दूषित हो चुका है, उसको भी हम कह सकते हैं। आजकल युवा है, यूथ है, पूरा धूम्रपान ज्यादा करता है, ज्यादातर नशे का आदि हो गया है, फास्ट फूड का आदि हो गया है, टीवी का, मोबाइल का, लैपटॉप का, इनका आदि हो गया है, और सबसे बड़ी बात है फिजिकल वर्क करता नहीं। फिजिकल वर्क करता है तो जिम में जाता है, जिम में जाता है तो पाउडर खाता है, जिसका उसको ये पता नहीं कि साइड इफेक्ट कितने होते हैं उसके। जिम में जाकर के पाउडर खाते हैं, घर पे उस पाउडर को लेके भी नहीं आते, जिम में रख के आते हैं, और बाद में क्या होता है कि जो जिम करने वाले होते हैं वो 2-3 सेकंड के लिए वेट उठाएंगे, इतना तो हम पूरा अपना एक हाथ पे वेट उठा लेते हैं। योगी जितना हमारा वेट है 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो, 75 किलो, उतना में एक हाथ पे खड़े होकर के उठा लेते हैं जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो योग 2 घंटे कर लेगा वो 24 घंटे पूर्ण रूप से मेहनत के साथ में कार्य करेगा। जो 2 घंटे डेली जिम कर लेगा वो पूरे दिन खाएगा और सोएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और जिम करने वालों को ज़्यादातर बैक पेन की प्रॉब्लम आती है, और जो जिम करने वाला यूथ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो जिम करने वाला यूथ है, नहीं तो वो अपने पीछे वालों से पूछ ले, आज तक, आजकल जो जिम में खान पान चल रहा है, ज़्यादातर नपुंसक बना रहा है युवाओं को। तो मेरा अनुरोध है इस विषय को लेकर के भी कि आपको खाना है तो नेचुरल खाएं, अश्वगंधा खाएं, सतावर खाएं, सफ़ेद मूसली खाएं, कोंच बीज खाएं, आप स्प्राउट खाएं जितना भी हो सके, अंकुरित अनाज जितना भी हो सके 5 तरह का लें, साबुत मूंग, साबुत चने, साबुत लोबिया, साबुत सोयाबीन, आप इसकी तरफ बढ़िए ना, ये तो बहुत सस्ता है, आपको कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं, आपकी जेब में पैसे नहीं है, ये सब चीज़ें तो आपके घर में हैं, आप इसको जुड़िए, इससे खाइए, कुछ और खाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रकृति ने जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बनाया है, उसके 5 तत्वों की पूर्ति जो होती है, भोजन मात्र उसकी पूर्ति करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, भोजन जो करते हैं उसको जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीने लगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये शरीर हमारा है, आपका है, आपको समझना होगा कि हमें क्या खाना, क्या नहीं खाना है, कब खाना,
तक कब नहीं खाना? जी, योगा आचार्य जी जो है बबलू ठाकुर जी आज बहुत विस्तार रूप से बताए कि उन्हें चना और हरी मूंगफली वगैरह ये सब खाना चाहिए क्योंकि बहुत लाभदायक है। तो आइए हम और पूछते हैं, हमारे नवयुवक भी यहाँ पे बैठे हुए मेहमान हैं और मैं जानूंगा कि इनसे पूछूंगा कि आज जो जिम करने जाते हैं तो अपना बॉडी बस दिखाने के लिए पाउडर भी खाते हैं, ये हमारे ठाकुर जी ने बताए हैं, योगाचार्य हैं, और मैं आज जानेंगे सर, आज नवयुवक हैं आप और जिस तरह से लोग बॉडी बिल्डर दिखाते हैं, चाहे आप संजय दत्त को ले लीजिए, चाहे सलमान खान के लिए, उसी को लेकर लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, अपने आप को बॉडी बनाने में रहते हैं, तो पाउडर खा के कहाँ तक ये संभव है या जिम करने से कहाँ तक संभव है, एनर्जी कितना रहता है? बहुत ही अच्छी आपने बात कही है कि पाउडर खा करके जो जिम कर रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, अभी ठाकुर जी ने बताया, क्योंकि उनको पता ही नहीं उसमें क्या दिया जा रहा है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, क्या चीज़ घोल करके दी जा रही है, उसको नहीं पढ़ते हैं, वो साइड इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एकदम से लिया और उसका इफेक्ट जितनी जल्दी होगा उसका उतना ही साइड इफेक्ट भी उतनी जल्दी होगा, ये भी ध्यान रखना। तो जिम जितने आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, मैं आपको सच कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं भी एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी गुरु हूँ, मैं जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं, चाहे सलमान खान है, शाहरुख खान है, गोविंदा है, अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, इनके सबके अपने पर्सनल योग गुरु हैं, सभी को मुंबई के अंदर योग की क्लास देने के लिए योगा टीचर उन्होंने हायर किए हुए हैं, योगा टीचर उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये दिखाने के लिए जो बॉडी वो दिखाते हैं कि वो केवल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो दूसरी चीज़ें वो लेते हैं, टीवी पे आने के लिए या उनकी मूवी के लिए उनका उस तरीके का शरीर बनाना पड़ता है, परंतु वो योग करते हैं। शिल्पा शेट्टी एक सेलिब्रिटी हैं और उनके आप देखिए वो भी एक योग गुरु हैं, वो अपना उन्होंने एक पावर योग के नाम से चलाया हुआ है, बहुत अच्छा उनका योग कराती हैं। दूसरे आप करीना कपूर को देखिए, 100 सूर्य नमस्कार करीना कपूर प्रतिदिन करती है, आज का तो मुझे नहीं पता लेकिन जब पहले शादी से पहले वो 100 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करती थी। मैं भी डॉक्टर कुमार विश्वास जी को, उनकी फैमिली को पूरे योगा क्लास देता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO जो कई कई हजार करोड़ के मालिक हैं मैं उनको भी योगा क्लास देता हूँ, गोविंदा जी को मैंने योगा क्लास दी है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम योग सिखाते हैं और ऐसे ही लोग ये दिखते कुछ हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये करते हैं जिम करते हैं, दिखाएंगे जिम की फोटो शेयर करेंगे लेकिन योग की शेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि योग हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है और वो लोग पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं क्योंकि पैसा मिलता है वहां से, पैसा मिलता है हमारी भारतीय संस्कृति में, पैसा उनको पैसा दिखता नहीं है क्योंकि वेद है, उपनिषद, आरण्यक, बृहदारण्यक, जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को तो वो जानते ही नहीं है, उनसे अगर पूछा जाए वेद के दिन उनको पता ही नहीं है। तो मैं ऐसे समय में इस सरकार और इस पूरे देश के युवाओं से, योगाचार्यों से एक मैं निवेदन भी करूंगा आपके माध्यम से कि वो आगे बढ़ें और योग को जितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं उसको और ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं, जिससे कि योग जिम से ऊपर निकल जाए। आपको एक बात बताता हूं, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च किया जाता है जिम, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जिम सर्च किया जाता है गूगल के अंदर, और यूरोप की कंट्रियों में सबसे ज्यादा योगा सर्च किया जाता है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, आप किसी भी दूसरे देश में जाइए और उनकी जो सर्वे किया गया तो गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा योगा सर्च किया जाता है। अमेरिका का जो योग का कारोबार है लगभग 1,00,000 करोड़ का है और भारत के अंदर 5,000 से 6,000 करोड़ का है। योग में अपना प्रोफेशन भी हम बना सकते हैं, योग को हम पूरे प्रॉपर वे में आगे नियमित रूप से अगर जीवन में लेकर आएंगे तो डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैंने अभी भी सारी चीज़ें बताई हैं कि योगा करने से और क्या हमारे, देखिए योग एक ऐसी पद्धति है, कंप्लीट तो चिकित्सा पद्धति है, कंप्लीट शिक्षा पद्धति है, एक पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक एक भी ऐसा अंग नहीं जिसकी एक्सरसाइज योग से ना हो सके, जिसकी चिकित्सा योग से ना हो सके। इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग करती है योग, अंदर के स्ट्रॉन्ग जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे पेट के अंदर ऑर्गन्स हैं, डायबिटीज सिस्टम है या आपका पाचन तंत्र है, जितने भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, सबको स्ट्रॉन्ग करता है। जी, हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सवाल लूँगा कि जिस तरह से लोग नवयुवक दिखते हैं 25-30 साल के होते हैं, हम उन्हें बुजुर्ग नहीं कह सकते लेकिन वो दिखते हैं बुजुर्ग जैसे, तो क्या इसका प्रभाव चल रहा है, क्या प्रदूषण है,
या लोगों का खान पान ही इस तरह से मार रहा है लोगों को? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ऊंची बात कही, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। उनके ना तो आहार ठीक है, ना उनका व्यवहार ठीक है, ना उनका चाल चलन ठीक है। वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो सुबह रात को 1 बजे 2 बजे तक जगते हैं, नेट फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं। और जो व्यक्ति सुबह सूर्य उदय से पहले नहीं उठेगा वो निश्चित रूप से बीमार होगा, ये ध्यान रखना। सुबह उठिए, उठ करके नियमित योग करिए, अपनी दिनचर्या को फिक्स कीजिए, अपना खान पान संतुलित रखिए, इसी के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यही मेरी आशीर्वाद और यही शुभकामना युवाओं के लिए। क्या नाम? मेरा नाम योगाचार्य सोई शास्त्री है, मैं गाजियाबाद से हूँ और पावर योगा क्लिनिक के नाम से हम अपने गाजियाबाद और दिल्ली NCR में योगा सेंटर चलाते हैं। हम लगभग प्रतिदिन 200 से 300 लोगों को योग क्लास देते हैं, जो हमारे यहाँ प्रोफेशनली योगा सीखने का आते हैं। मैं प्रोफेशनल योग गुरु हूँ। हम चार्ज करते हैं, मिनिमम चार्ज करते हैं 5,000 से 2,000 रुपए तक हम पर मंथ चार्ज करते हैं, और गरीबों के लिए हम उसको फ्री रखते हैं। पार्कों में हम फ्री कैंप लगाते हैं, स्कूल में फ्री कैंप लगाते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में जो आज कंपनी के अंदर जो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन हो गया, जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया है, जिनको स्ट्रेस रहता है, तनाव की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, उनके लिए भी हम कॉरपोरेट में जाकर के, कंपनी में जाकर के उनको हम योग सिखाते हैं, उनको क्लास देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको जीवन को सही प्रकार से जीने की हम प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो और लोगों के कहाँ कहाँ कैंप लगा चुके हैं हम? पूरे भारत के अंदर कोलकाता है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, और उसके अलावा हम अगर पंजाब की ओर जाएं, अमृतसर में हमने कैंप किया है, दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर हम कैंप करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ में रहा हूँ, पूज्य स्वामी रामदेव जी से शिक्षा दीक्षा ली है, उनके बहुत नजदीक रहा हूँ। पूज्य स्वामी जी ने जो योग के लिए काम किया है वो अविस्मरणीय है, अवर्णनीय है, उनके उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। आज देश के अंदर अगर सुबह 4 बजे लोग घर से उठ करके रोड पर घूम रहे हैं, पार्कों में चल रहे हैं, तो वो स्वामी रामदेव जी की देन है, मानते हैं। और उसके बाद में हमारे जो सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, वो ऐसा युग पुरुष, एक ऐसा योगी देश को मिला है कि ऐसा योगी संभवतः मोदी जी के बाद इस देश को नहीं मिल सकता। और मैं आगे आने वाली सरकारों से भी, अगर सरकार किसी भी तरीके से कोई परिवर्तित होती है, तो मैं उसको भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो उनको भी योग को अपनाना पड़ेगा, योग को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि योग अब वो आश्रम वाला योग नहीं रहा, योग वैचारिक क्रांति में फैल चुका है, योग पूरे देश में फैल चुका है। अगर उन्होंने योग बढ़ावा नहीं दिया, सरकार अगर किसी कारण से पहले बदल जाती है, तो उसको भी योग को मानना पड़ेगा, योग को उसको चलाना पड़ेगा, योग को उसको सिलेबस में लाना पड़ेगा। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर। मैं लगातार हमारे साथ यहाँ पे मेहमान जुड़े हुए हैं और योगा के बारे में आज विशेष तौर से बताएंगे, अपना बाइट दे रहे हैं, योगा का महत्व क्या है, योगा शिक्षा कहाँ तक बढ़ना चाहिए। आज भारत ही पूरा विश्व आज योगा के लिए जाना जाता है भारत, क्योंकि भारत में योगा को लेकर हमारे वैदिक कालों से आज तक जो है लोग योगा ही करते आए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भारत में कि योगा नहीं करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं। उसके लिए हम आज पूछेंगे योगाचार्य जी से। तो योगी आप बताइए, देखिए शिक्षा का माध्यम यदि आप बात करते हैं, योग यदि पूरे विश्व में हमें फैलाना है तो इसको हमारी शिक्षा पद्धति में लाना ही पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा पद्धति में क्यों लाएं? शिक्षा पद्धति में लाने के जितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, उनको हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चरित्र निर्माण करता है, ये शारीरिक निर्माण करता है, ये सामाजिक निर्माण करता है, ये पारिवारिक निर्माण करता है, और ये सारी चीजें मिलकर के राष्ट्र उन्नति निर्माण करता है, राष्ट्र की उन्नति का कार्य इसको करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। जो चीज राष्ट्र की उन्नति करने में सहायक हो तो उसको भारतीय शिक्षा पद्धति में तो इम्प्लीमेंट कर ही देना चाहिए। अब आप देखेंगे पूरे दुनिया में इस समय लगभग 20 करोड़ लोग योगा की प्रैक्टिस करते हैं, 20 करोड़ लोग, और ये 2016 में 2,25,000 करोड़ का बिजनेस था, जो बढ़कर के 5,000 करोड़ से ऊपर हो गया। पहले 2,500 करोड़ था, अब ये 5,000 करोड़ से ऊपर हो गया। जब इतना बड़ा बिजनेस हो गया है, इतने बड़े लेवल पे इसका काम आ रहा है, चूंकि योगा मैट सी हम लोगों को सारी चीजें चाहिए, तो क्यों ना फिर इसको अपनी भारतीय परंपरा और शिक्षा पद्धति में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इसको करेंगे तो वहां से रोजगार का सृजन होगा। हालांकि योग तो फ्री की चीज है, ये तो बांटने वाली चीज है, ये तो ज्ञान है, ये तो ये कोई व्यवसाय का कार्य नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो लोग घरों में रहते हैं जिनके पास पैसा है वो बाहर पार्क में तो योग करने जा नहीं सकते, तो उनको क्या चाहिए? योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए अपने घर में। योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए तो योगा इंस्ट्रक्टर से घर जाएगा, जो उनके घर जाएगा और आएगा अपना गाड़ी का पेट्रोल तेल फूकेगा तो क्या उसको पैसा भी चाहिए? और भारत, ये हमारे मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया है पूरे भारतवर्ष में। जो पिछले 70 साल में नहीं, वो पिछले 5 साल में हो गया। 70 सालों में कुछ नहीं हो पाया, वो 5 साल हो गया, और आने वाले 5 साल में आप देखेंगे इसको ये कितने बड़े लेवल पे फैलेगा। ये हमारी भूमिका है कि हम लोग तो शिक्षा में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना नितांत आवश्यक। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरी राष्ट्र में आप योगिक विद्या को फैलाएं और ये आपका चैनल इसी प्रकार से योग ज्ञान को जन जन तक फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सोशल वर्क पे रहता है और ज्यादातर हम पतंजलि को लेकर हमारी बहस रहती है, हमेशा कंटिन्यू रहती है। आप हमारे चैनल पे यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं और हम लगातार जो है योगा के बारे में जरूर बताएंगे। और हमारे साथ एक और भी मेहमान है, उनसे दोबारा आना चाहता हूँ। और चलेंगे, आप खाली परिचय देंगे कि हम लोग मेरठ से हैं और मेरठ में बहुत बड़ी जो मेरठ जो अपने आप में क्रांतिकारी धारा है और जहाँ योग का आज की डेट में बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है, योग के विषय को लेकर के लोग इतने जागरूक हैं मेरठ में कि आए दिन नए आयोजन योग के, नए नए प्रोग्राम योग के, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, कुछ ना कुछ बहनों के प्रति कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। तो कभी मेरठ पधारिए, आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत जय श्री श्याम। मैं ये चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा आप इस पे जो है प्रकाश डालें कि हम और बच्चों को आगे कैसे ले जा सकते हैं। अभी मैं स्कूल में हूँ, 2000 बच्चे मेरे पास में हैं, उनको डेली नियमित रूप से प्राणायाम भी सिखा रहा हूँ, सूर्य नमस्कार की डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और आगे की योजना मैंने बताई कि 200 स्कूलों को हमें टारगेट करना है जिनमें सूर्य नमस्कार कराना है, और स्कूल के साथ फिर हर जिले में हम लोगों को जाना है, हर स्टेट में जाना है, स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम थोड़ा सा आप अगर अपने तरीके से हमें गाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने एक पायलट प्रोजेक्ट जो है ना ये पूना में। रंजन जी एक मिनट आप आइए, आपको थोड़ा सा अपने विषय में जानकारी दे दो। हम लोग 2007 से योग से गए महाराज जी से, स्वामी रामदेव जी उनसे शिक्षा दी 2010 में, और उसके बाद में फिर मेरठ में योग को पूरे तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया। भाई राजीव जी हैं अपने अपने योग में, या दिल्ली आगे हमें छोड़कर, लेकिन जब भी इनकी जरूरत पड़ती तब आ जाते। तो हम चाहेंगे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको कुछ ऐसा मैसेज दें, आज आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये जो मैसेज जाएगा ये इसको ये समझ कर लिए कि लगभग 20,000 लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे तो पता नहीं कितने ग्रुप होंगे, सब में डेली एक मैसेज आता है, उसी के साथ ये मैसेज जाएगा। लोग यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, फेसबुक के पेज पे भी जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, ट्विटर पे जुड़े हैं, कहा नहीं हमसे जुड़े हैं। तो फॉलो करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लाइक करते हैं। तो अच्छा मैसेज अगर अच्छे महापुरुषों के द्वारा जाएगा, अच्छे संतों के द्वारा, योगियों के द्वारा जाएगा, तो ये और अच्छा रहेगा। बार बार मेरे बारे में बोल रहे हैं।